हम लोग अभी 22 सी से पार्षद हैं, भाभी मेरी पार्षद हैं, और जो भी 5 योजना में काम था सब काम हम लोग पूरा कर दिए, और इस बार 22 सी और 22 बी दोनों से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। रह गई बात जनता की, तो जनता बैनर पोस्टर और मीडिया एक अलग चीज़ होता है, काम देखता है और ईमान देखता है, क्या समझे। जनता से कुछ छुपता नहीं है, जाहिर नेता लाख तेज बन ले, आज के डेट में नेता से ज़्यादा तेज जनता है, समझे। तो सच्चाई छुपता नहीं है, न छुपेगा। कौन क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कहने सुनने का जरूरत नहीं है, वो जनता खुद तय करती है और खुद सब जानती है। कई क्षेत्रों में ऐसा देखा है कि पानी की टंकी है, मोटर खराब है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। वार्ड है तो कहीं ख़राब हो जाएगा, फिर बनेगा तो कुछ देर ला शिकायत हो जाता है, फिर बन जाता है तो जनता जय जय करता है, वो तो होते रहता है। बहुत बड़ा बड़ा सालों से बंद है, सालों से बंद तो कहीं हमारे वार्ड में तो नहीं है, और बाकी कहीं होगा तो हम नहीं जानते हैं। हमारे वार्ड में तो कहीं सप्ताह रोज से ज़्यादा कोई काम नहीं बंद होगा। 22 सी में एक महिला मिली जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शायद उनको मकान का राशि मिला, आवंटन हुआ, उन्होंने अपना मकान नहीं बनाया। उनकी बात अगर छोड़ देते हैं, दो ऐसी महिलाएं मिली जो बोली कि हमको इसका लाभ नहीं मिला। तो लाभ क्यों नहीं मिलेगा ये नहीं बताए, कुछ गलती भरी होगी या कुछ कट गया होगा या कोई कागज कलम पूरा नहीं हुआ होगा, वो तो सरकार देती है, हम लोग के बस का थोड़े ना है। हम लोग तो सिर्फ सरकार को बढ़ा देते हैं, देना जांच करना तो सरकार का काम है, हम लोग थोड़े करते हैं। एज ए वार्ड पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते पब्लिक के बीच में जाके उनको जागरूक करने का काम आप लोग करते हैं? हाँ करते हैं, करते हैं, गुण हाथ जोड़ते हैं। बाकी काम देख लीजिए, ईमान देख लीजिए, हम क्या राजनीति से कमाते हैं, ये घर से लगाते हैं, वो जनता जानती है। कोई नेता नहीं है जो राजनीति का पैसा नहीं खाता है, सारा लोग राजनीति से पैसा खाता है। लेकिन हम लोग को अगर कोई 5 पैसा बता दे कि किसी स्तर से अगर खाए हो या खाने की कोशिश किया हो तो राजनीति में छोड़ दूंगा। सर्दी का मौसम है, अभी लोग ज़्यादा सर्दी से गरीब परेशान है, तो अभी क्या तो कुछ किया? अभी देखिए, गरीब के लिए हम लोग लॉकडाउन से करते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ लोग इलेक्शन के चलते कुछ कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब श्रद्धा से कर रहे हैं, वो लोग सब अपने लालच में स्वार्थ में आज निकले हैं, कोई कमल बांट रहे हैं, कुछ कर रहा है। लेकिन हम लोग शुरू से जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कोरोना आया है, जो हो सका है, अनाज पानी मैंने जो हुए, जो मदद पैसा कौड़ी जितना बना हम लोग किए। जनता से क्या कहेंगे? जनता से कहेंगे कि ईमान देखिए और काम देखिए, उसके बाद जो निश्चय अपना करना है कीजिए। अपना परिचय बता दीजिए। राजकुमार उर्फ धप्पू यादव। सर एक चीज़ और पूछना है, सर जनता की प्रॉब्लम को सुनने की कठिनाइयों को सुनने के लिए आप एक आम सभा करते हैं? जनता के कठिनाई सुनने के लिए एक नहीं, लगातार मेरे पास 3 स्टाफ है, टेबल कुर्सी लगा के बैठा रहता है, कभी कोई आए तो वापस नहीं जाता है, चाहे किसी तरह का काम हो, नहीं होने वाला है तो लिखवा दीजिए, कल होगा, जो होना है तुरंत होता है। इसके लिए किसी को खोजना नहीं है कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, जब भी आए यहाँ पर मौजूद मिलता है आदमी। We'll be right back.